चीन और नेपाल से सीमा पर चल रहे तनाव के बीच आज स्वदेशी विमान तेजस का दूसरा स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया है। इस स्क्वाड्रन को फ्लाइंग बुलेट्स नाम दिया गया है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने सुलूर एयरबेस से इसकी शुरुआत की। वायुसेना प्रमुख ने खुद तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है। तेजस विमान देश में विकसित लड़ाकू विमान है और इसके वायुसेना में शामिल होने से भारतीय सेना की ताकत में काफी इजाफा होगा। आपको बता दें कि एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने अब तक राफेल लड़ाकू विमान सहित 28 से अधिक प्रकार के लड़ाकू और परिवहन विमान को उड़ाया है। एयर मार्शल भदौरिया प्रायोगिक टेस्ट पायलट होने के साथ साथ कैट ए कैटेगरी के क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और पायलट अटैक इंस्ट्रक्टर भी हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को तमिलनाडु के कोयम्बटूर के पास सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पर किया गया। यह स्क्वाड्रन LCA तेजस विमान से लैस है। तेजस विमानों वाली भारतीय वायुसेना की यह दूसरी स्क्वाड्रन है। तेजस चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जिसे एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय वायुसेना ने पहले ही 40 तेजस विमानों का ऑर्डर दिया हुआ है और जल्दी ही HAL को 83 और विमानों का ऑर्डर दिया जाएगा जिसमें लगभग 38,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वायुसेना की 18वीं स्क्वाड्रन की स्थापना 1965 में की गई थी और इसका आदर्श वाक्य है तीव्र और निर्भय। पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में सक्रिय भूमिका निभाने वाली इस स्क्वाड्रन को 15 अप्रैल 2016 को सेवा से मुक्त कर दिया गया था और इससे पहले इसमें MiG-27 विमान शामिल थे। इस स्क्वाड्रन को 1 अप्रैल 2020 को दोबारा शुरू किया गया। इस स्क्वाड्रन को नवंबर 2015 में राष्ट्रपति द्वारा ध्वज प्रदान किया गया था। आपको बता दें कि इस स्क्वाड्रन की कमी से जूझ रही वायुसेना को इस साल 36 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप फ्रांस से मिलने वाली है। वहीं तेजस की एक और नई स्क्वाड्रन का शामिल होना राहत भरी खबर है।